मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है वो है जंगल में सैलाब आया, और इसमें किस तरह एक दूसरे की मदद की उन्होंने, ये हम आपको आज बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। सोमी शहजादा, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद के लिए ज़रूर आएंगी, गिलहरी बोली। गेंडा अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ा था, पानी इनके कंधों को छू रहा था। चिड़िया और कोयल अपने बच्चों के साथ दरख्त पर कांप रही थी। ज़ेब्रा अपने डर से सहमे बच्चों को बुला रहा था। तो अपने घर को तबाही पर जोरों कतार रो रहा था इसका बच्चा। इस तो पानी बारिश में गुम हो गया था। सुनामी ने इसे तसल्ली दी। लाली और हाथी ने सब परिंदों और जानवरों को बारी बारी कश्ती में बिठाना शुरू किया। इतने में सोमी कुएं के नीम बेहोश बच्चे को ले आया। उल्लू ने अपनी पोटली से दो दवा निकाली कि इसके मुंह के अंदर डाली और इसे होश आ गया। सोमी इन सब को जंगल ले आई जहां खेमे लगे थे। इन सब को खाना पेश किया। खाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ आरामदेह बिस्तर पर लेट गए। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाने थे, अब दोबारा से हमें मेहनत करनी होगी, चिड़िया ये कह कर रोने लगी। तुम परेशान ना हो प्यारी चिड़िया, हम सब तुम्हारे घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोमी की बात सुनकर सब ने इसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, इस आजमाइश की घड़ी में वो सब एक दूसरे के साथ देंगे, और ना सिर्फ एक दूसरे की माली मदद करेंगे बल्कि जंगल को दोबारा से आबाद करने में अपने भरपूर किरदार अदा करेंगे। सोमी जंगल की बहाली के बाद हम आइंदा होने वाली बारिशों और सैलाब से बचाव के लिए अहम इकदाम उठाएँगे ताकि हमें आने वाले सालों में ऐसी तबाही का सामना ना करना पड़े, अंकल हाथी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, और इस आजमाइशी घड़ी में एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़राफ़ा ने कहा। इन सब के ख्याल सुनकर सोमी खुश हुई। वो जान गई थी कि इनके तमाम दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस बात से अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिली कि हमें हर मुश्किल घड़ी में अपने प्यारों का और अहलो वकार का साथ देना चाहिए। साथ देने से ही बरकत होती है और अल्लाह खुश होता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल पे बने रहें, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ हम लाते रहेंगे।